एक छोटे से गांव में एक रहस्य फैला हुआ था। लोग कहते थे कि गांव में एक काली महिला रहती थी जो रात को काले कपड़े पहनकर घूमती थी। उसे काले कपड़े वाली के नाम से जाना जाता था। कहते थे कि जो भी उसे देखता वह अगले दिन मर जाता है। गांव के एक युवक अर्जुन ने इन बातों को सिर्फ अफवाह समझा। वह बहुत बहादुर था और उसे डर नहीं लगता था। एक रात उसने दोस्तों के साथ मिलकर काले कपड़े वाली को देखने का फैसला किया। सभी दोस्त डर रहे थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें चुनौती दी कि वह अकेले रात में जंगल में जाएगा और काले कपड़े वाली को ढूंढेगा। रात का समय आया, अर्जुन अकेले जंगल की ओर बढ़ा। अंधेरा और सन्नाटा उसे और भी डरा रहा था, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक काले कपड़े वाली महिला उसके सामने खड़ी है। उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, क्या तुम वही हो जो लोगों को मारती हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा उसे लगा कि उसके पैरों के नीचे कोई ठंडी हवा बह रही है। वह तेजी से भागा, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह भागते भागते अपने घर पहुंचा। सुबह होते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसकी माँ ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर भी उसकी हालत नहीं समझ पाया। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई। अंत में अगले दिन अर्जुन की मौत हो गई। गांव में सब हैरान थे कि कैसे एक बहादुर लड़का इतना जल्दी चला गया। गांव वाले ने फिर कभी काले कपड़े वाले के बारे में मजाक नहीं किया। वे समझ गए थे कि कुछ चीज़ें सच्चाई से कहीं अधिक डरावनी होती हैं। अर्जुन की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग रात में बाहर जाने से पहले दो बार सोचते हैं। जब चांद अपनी रोशनी छिपा लेता है और रात का साया गहराता है, तो कुछ अनदेखा जग उठता है। क्या आपने कभी सुना है ब्रह्म पिशाच के बारे में? ब्रह्म पिशाच जो अपनी शक्तियों से आत्माओं को सजा देता है, उसने हमारे गांव के कई लोगों को निगल लिया है। कोई भी उसे देख नहीं सकता, लेकिन उसकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। गांव में एक युवक लड़का आर्यन, जो इन कहानियों को बकवास समझता है, अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाने का फैसला करता है। आर्यन ने कहा, ये सब बकवास है, मैं साबित कर दूंगा कि ये सिर्फ कहानियां हैं। रात का समय आर्यन और उसके दोस्त जंगल में पहुंचते हैं। अचानक पेड़ के बीच से एक धुंधली आकृति गुजरती है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। एक दोस्त ने कहा, वो क्या था? आर्यन ने कहा, कुछ नहीं, बस हमारी आंखों का धोखा है। लेकिन अचानक एक तेज आवाज सुनाई देती है, जिसे सभी डर जाते हैं। आर्यन के फोन में एक रहस्यमयी संदेश आता है। संदेश यह था कि वहां से लौट जाओ, नहीं तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। आर्यन इस संदेश को नजरअंदाज करता है और आगे बढ़ता है। सभी दोस्त डर जाते हैं, लेकिन आर्यन उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जंगल में एक पुरानी खंडर जैसी जगह पर पहुंचे, वहां एक बड़ा पत्थर होता है, जिस पर अजीब सी लकीरें बनी होती है। दोस्तों ने कहा, क्या ये वही जगह है जहां ब्रह्म पिशाच रहते हैं? आर्यन ने कहा, हाँ, हिम्मत करो, हम यहाँ सिर्फ देखने आए हैं। जैसे ही वे उस पत्थर के करीब जाते हैं, अचानक चारों ओर अंधेरा छा जाता है और हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगती है। फिर एक खौफनाक हंसी सुनाई देती है, जिसे सभी चौंक जाते हैं। एक दोस्त ने कहा, यहाँ से भागो, अब यह मजाक नहीं है। आर्यन के चेहरे पर संदेश और डर की मिली जुली भावनाएं हैं। तभी पत्थर पर बनी लकीरों में से एक आकृति उभरने लगती है। ब्रह्म पिशाच की यह भयानक रात, क्या आर्यन और उसके दोस्त समय पर भाग पाएंगे, या फिर यह उनके लिए अंतिम रात साबित होगी? एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में कामला नाम की एक बेहद खूबसूरत महिला रहती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी और लोग उसके दीवाने थे। कामला एक साधारण जीवन जीती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसे खास बनाती थी। एक रात जब चांद पूरा चमक रहा था, कमला अपने घर के बाहर बैठी थी। उसे ताजगी भरी हवा और चांदनी की रोशनी में समय बिताना बहुत पसंद था।
तभी उसने अपनी छाया को जमीन पर हंसते हुए देखा। उसकी छाया एक अजीब और डरावनी शक्ल में बदल गई थी। यह देख कमला चौंक गई, लेकिन उसने सोचा कि यह शायद उसकी नज़र का धोखा है। लेकिन अगले दिन जब कमला बाजार गई, उसने देखा कि लोग उसे देखकर शर्माते हैं और दूर से ही उसे देखते हैं। कुछ लोग तो उसे देखकर भागने लगे। उसे समझ में नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा है। फिर एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया कि उसकी छाया ने गांव में लोगों को डरा दिया है। कमला ने सोचा कि यह केवल एक अफवाह है, लेकिन रात को जब वह सोने गई तब उसकी छाया फिर से अजीब तरीके से हंसने लगी। उस रात कमला ने ठान लिया कि वह अपनी छाया का सामना करेगी। वह फिर से बाहर गई और अपनी छाया को बुलाया। उसने पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तब अचानक उसकी छाया ने कहा, तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे कैद कर लिया है। मैं तुम्हारी छाया बनकर जीना चाहती हूँ। कमला ने समझा कि यह उसकी छाया का एक श्राप है और उसे इसे समाप्त करना होगा। उसने एक पुराने साधु की मदद मांगी। साधु ने उसे बताया कि उसे अपनी छाया को स्वीकार करना होगा और अपनी असली खूबसूरती को समझना होगा। कमला ने अपनी छाया को गले लगाया और एक नए दृष्टिकोण से जीवन जीने का निर्णय लिया। जैसे उसने अपनी छाया को अपनाया, उसकी छाया फिर से सामान्य हो गई। अब कमला ने केवल सुंदर थी बल्कि उसे अपनी असली खूबसूरती का एहसास भी हुआ। गांव वाले फिर से उसे प्यार करने लगे और कमला ने समझा कि असली सुंदरता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। इस घटना के बाद कमला ने अपने गांव में प्रेम और स्नेह फैलाने का कार्य शुरू किया और उसकी साया अब उसे हर जगह खुशियों के साथ पीछा करती थी। और इस तरह कमला ने अपनी साया के साथ एक नई कहानी लिखी जो डर के बजाय प्रेम और समझ का प्रतीक बन गई। इस तरह का और कहानी आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।